नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, मुंबई के बीच समंदर में बहुत बड़ी छापेमारी हुई है। गोवा जा रहे जहाज में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी की खबर मिलते ही एनसीबी ने वहां पर रेड मारी, जिसमें भारी मात्रा में कोकीन, हसीस और एमडी समेत कई ड्रग्स को बरामद कर लिया गया है। कौडेलिया क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी हुई है, 7 घंटे से छापेमारी चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि सभी आरोपियों को कल मुंबई लाया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 घंटे से लगातार ये छापेमारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, और क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, एक क्रूज पार्टी का जानकारी ऐसा मुंबई के नारकोटिक्स ब्यूरो के पास थी। उसके बाद जोनल डायरेक्टर समीर वानखडे उस क्रूज पर पैसेंजर बनकर गए हुए थे। जब मुंबई से गोवा की तरफ एक क्रूज निकला, उसके बाद उसमें ड्रग्स की एक्टिविटी शुरू हो गई। उसके बाद एनसीबी ने अपनी कार्रवाई की है और 7 घंटों तक ये कार्रवाई चल रही है। इसमें कई सेलिब्रिटीज लोग जो थे वो उस क्रूज पे मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि भारी मात्रा में ड्रग्स तो बरामद किया गया है, लेकिन इस ड्रग्स कंजम्पशन में कौन कौन रंगे हाथ पकड़ा गया है, किस किस ने ड्रग्स कंज्यूम किया, इस मामले में किसको कार्रवाई की जाती है, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि एक तरह से मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग्स जो सर्कुलेट किया जा रहा था क्रूज पर मुंबई गोवा जाने के नाम पर, उस पर एनसीबी की कार्रवाई है। बहुत बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। आगे की डिटेल जो है वो अवेटेड है और अभी जो क्रूज मुंबई की तरफ लाया जा रहा है। मुस्तफा, क्योंकि अभी आपको याद होगा मुंद्रा पोर्ट पर जिस तरीके से 3,000 किलो से भी ज्यादा जो बरामद की गई थी ड्रग्स, क्या उससे भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि जिस तरीके से एक के बाद एक एनसीबी की कार्रवाई मुंबई में हमने देखी है, कई लोगों को यहां पकड़ा गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, तो क्या ये कोई सेफ रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी कि क्रूज पर भी इस तरह की पार्टियां हो रही हैं जहां पे पहुंचना हो एनसीबी की? इस वक्त कोई भी आशंका से इस नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये है कि ड्रग्स काफी बड़ी मात्रा में उस क्रूज तक पहुंचे थे। ड्रग्स कहां से पहुंचे? दूसरी बात कि कई लोग पैसेंजर उस क्रूज पर मौजूद थे और उस क्रूज पर कहीं ना कहीं आशंका थी कि ड्रग्स मिलने वाले, एनसीबी की टीम भी मौजूद थी। तो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया है, इतने बड़े लेवल पर ड्रग्स का जो लेन देन है वो हो रहा है, वो कौन कर रहा है, ये सारे बड़े सवाल इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है। और अभी कार्रवाई शुरू है, लेकिन आने वाले समय में कल सुबह तक कई बड़ी अहम जानकारी इस मामले में सामने आ सकती है। बिल्कुल मुस्तफा, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। आपको बता दें कि मुंबई के बीच समंदर में बहुत बड़ी छापेमारी की गई है। ये जो क्रूज है वो गोवा जा रहा था, इस जहाज पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी की खबर मिलते ही एनसीबी ने रेड मारी है वहां पर। और आपको बता दें कि एनसीबी की रेड में भारी मात्रा में वहां पर कोकीन, हसीस, एमडी समेत कई ड्रग्स को बरामद भी कर लिया गया है। कौडेलिया क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी 7 घंटे से लगातार जारी है। जानकारी फिलहाल यह है कि सभी आरोपियों को कल मुंबई लाया जाएगा और पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पकड़े गए लोगों में अभिनेता के बेटे भी शामिल हैं, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ये क्रूज है वो मुंबई से गोवा जा रहा था। कई सारे सवाल हैं, सूत्रों को यहां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बता दें, लगातार जिस तरीके की ड्रग्स के बारे में खबरें मिल रही हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से ये लगातार पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, क्या ये एक सेफ रास्ता था कि क्रूज पर बहुत आसानी से इस तरह की पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां पर भी ड्रग्स को बरामद किया गया है। मुस्तफा, बहुत बड़ा सवाल यह है, जिस तरीके से 3,000 केजी की हमने बात की, उससे पहले भी जानकारी मिली कि लगभग 25,000 केजी और भी ड्रग्स लाया गया था, जिसके बारे में एनसीबी लगातार छानबीन कर रही है। एक के बाद एक तमाम ही केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि पता है कि कितना एक्टिवली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार इस तरह की चीजों को सुराग लगातार जोड़ने की कोशिश में है। कोई बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे और बहुत सारे बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ड्रग्स की लत कितनी हद तक लोगों को है, इस बात का सबूत यही है कि पिछले एक साल से
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफी ज्यादा एक्टिव होने के बावजूद भी मुंबई में, गोवा में इस तरह के केसेस पाए जा रहे हैं, यानी कि इतनी मात्रा में ड्रग्स कंजम्पशन लोग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण आप लत को इसको बता सकते हैं ड्रग्स की, कि इतनी एक्टिव एनसीबी होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। और आज का भी केस बहुत बड़ा है, क्योंकि ड्रग्स तो अहम मात्रा में पकड़ा गया है, लेकिन ड्रग्स कंजम्पशन करते हुए रेड हैंडेड लोग एक क्रूज पर पकड़े गए हैं, मुंबई से गोवा जा रहे थे। पूरा प्लान्ड इवेंट था, इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने, आप कह सकते हैं कि जब ड्रग्स पर इतनी भारी नजर हो एजेंसियों की, तब एक बहुत बड़ी एक हिम्मत दिखाई थी ऑर्गेनाइजर्स ने, और शायद वो एनसीबी के जाल से बच नहीं पाए। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये कि इसमें कई बड़े लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं, किसी अभिनेता के बेटे का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा क्रूज पर कई सारे लोग थे जिसमें एक सेलिब्रिटी सुपरस्टार के बेटे भी थे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसमें कई प्रक्रिया है, पहले तो ये कि क्या उस शख्स को डिटेन किया गया है, क्या वो शख्स ड्रग्स लेते हुए पाया गया या सिर्फ क्रूज पर था, क्योंकि सिर्फ क्रूज पर होना इलीगल नहीं है, ड्रग्स कंजम्पशन इलीगलिटी है। तो ये सारी चीजें सामने आने में, इसमें पुष्टि मिलने में थोड़ा वक्त जाए। तो ये क्रूज क्या वापस मुंबई की तरफ लौट रहा है कल, क्योंकि पेश किया जाना है इन तमाम लोगों को कोर्ट के सामने? जी बिल्कुल, इसे मुंबई के एनसीबी के ब्रांच की कार्रवाई बताया जा रहा है, और मुंबई की तरफ इस शिप को लाया जा रहा है, क्रूज को लाया जा रहा है, और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद जिस भी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा उसे कल जो एनडीपीएस कोर्ट है मुंबई में उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। बिल्कुल, बने रहे मुस्तफा हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आपको बता दें कोकीन हशीश एमडी समेत कई ड्रग्स को यहां बरामद किया गया है। पिछले 7 घंटे से एनसीबी की लगातार रेड चल रही है समंदर के बीच में, ये छापेमारी हुई है क्रूज पर, क्रूज का नाम है कॉर्डेलिया क्रूज। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जानकारी है कि भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है, कई नामचीन लोग हैं, कई बड़े लोग हैं, किसी अभिनेता का बच्चे का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि अभिनेता का बेटा भी इसमें शामिल था, लेकिन अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन है और क्या उसने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था। लेकिन इस रेड में कई सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं, और आपको ये भी बता दें कि ये जो क्रूज है वो मुंबई से गोवा जा रहा था, फिलहाल मुंबई से वापस लाया जा रहा है, 10 लोगों को पकड़ा जा चुका है और कल इन 10 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता तनसीम हैदर भी जुड़ गए हैं। तनसीम, क्या जानकारी मिल रही है? एक के बाद एक ड्रग्स की कई खबरें हैं, क्या माना जाए कि बहुत बड़ा रैकेट, बहुत ही ताकतवर रैकेट इस तरह के ड्रग्स के पीछे काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी भारी मात्रा में बरामदगी की बात सामने आ रही है। जी देखिए, ये जो ऑपरेशन चलाया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें दिल्ली की एनसीबी की टीम भी शामिल हुई है, मुंबई की टीम भी शामिल है, और दिल्ली के कई अफसर इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया बीच समंदर में, और मैं आपको बता दूं इसमें अभी और भी लोगों के डिटेन होने की खबर और गिरफ्तारियों की खबर आ सकती है। फिलहाल 10 लोग बताए जा रहे हैं जिनको डिटेन किया गया है, और जिस शिप पे ये पार्टी हो रही थी, इस शिप की हाल ही में अभी ओपनिंग हुई है 2 हफ्ते पहले, जिसमें एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने बॉलीवुड की परफॉर्म भी किया था। तो एनसीबी के मुताबिक इस इवेंट पर एक इसी दौरान पार्टी जो हुई है उसमें इस ड्रग्स पर जो रेड की गई है एनसीबी की तरफ से, तो जाहिर है इसमें ये ऑपरेशन अभी और चलेगा, और ऐसा बताया जा रहा है एनसीबी के अफसरों की तरफ से कि इसमें और भी कई बड़े नाम आने की उम्मीद जताई जाती है। तनसीम, हम पिछले लगभग 1 साल से देख रहे हैं कि एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर रेड डाली जा रही है। अभी आपको याद होगा मुंद्रा अडानी पोर्ट पे भी 3,000 किलो हीरोइन की बरामदगी हुई थी। फिलहाल ये जो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसी पोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि 10 लोगों की पेशी की बात सामने आ रही है, 10 लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने ड्रग्स लिया भी था, पकड़ा है एनसीबी ने। कोकीन हसीस और एमडी को वहां से बरामद किया गया है। हमारे साथ हमारे दोस्त संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वाकई में ये बड़ी खबर है, क्योंकि जानकारी ये है कि 7 घंटे से लगातार बीच समंदर में छापेमारी की जा रही है, काफी कुछ बरामद कर लिया गया है, और आपको ये भी बता दें कि इसमें कई बड़े नामचीन लोगों के शामिल होने की भी खबर मिल रही है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। जो ये क्रूज है ये मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था, और यहां पर ड्रग्स की पार्टी एक ऑर्गेनाइज की गई थी।
उसी दौरान यहाँ पर छापेमारी हुई है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी। कौन ऑर्गेनाइजर था, कहाँ से ये ड्रग्स लाया जा रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने ड्रग्स लिया था, ये तमाम वो सवाल हैं जो बहुत ही जल्द सुलझने वाले नहीं हैं। एनसीबी कल आपको बता दें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाली है इन 10 के 10 लोगों को। हमारे साथ हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संसीप, मैं आपसे जानना चाह रही थी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो ड्रग्स की खबरें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, यानी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामदगी बहुत आम सा हो चला है, तो क्या इतना आसान हो गया है या कोई बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है? जी देखिए, एनसीबी की रेट अगर देखें तो पिछले 2-3 साल के दौरान अचानक से हेरोइन और कोकेन की जो बरामद की है वो क्विंटल्स की तादाद में हुई है, बड़ी तादाद में रिकवरीज हो रही है। ये बताती है कि भारी मात्रा में अफगानिस्तान से और तमाम रूट से नेपाल के रूट से होते हुए ड्रग्स आ रहा है हिंदुस्तान में और इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो लगातार कार्रवाई एनसीबी की हो रही है, रेड्स हो रही है, मुंबई की टीम्स करती है, दिल्ली की टीम्स कर रही है, अलग अलग हिंदुस्तान की जितनी एनसीबी की जितनी यूनिट्स हैं, जितनी जोनल यूनिट्स हैं, वो सारी अपनी रेड्स में इतनी बड़ी रिकवरीज कर रही है। अब तक का ये जो ऑपरेशन बताया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है एनसीबी का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो क्रूज पे ये ड्रग पार्टी चल रही थी, ये बता रहे हैं कि अब तक की रिकवरी की जो सबसे मतलब बड़ी रेड है जो अंजाम दी जा रही है। तनसीम, क्या पता चल पाया है कि ऑर्गेनाइजर कौन था? बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पार्टी को थ्रो किया गया था। जो लोग क्रूज पर मौजूद थे, मुंबई से गोवा के बीच में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और शायद मंशा ये रही होगी कि किसी भी कीमत पर पकड़ा न जाए। जी जाहिर है, आमतौर पर ऐसी पार्टियां जब भी होती हैं तो कोशिश ये होती है कि लोग कहीं भी अपने मोबाइल फोन ना यूज करें, वहां पे उनके पास नेटवर्क ना हो, किसी के पास उनकी लोकेशन ना पहुंच सके। लेकिन चूंकि ऐसी पार्टियों की खबर लगातार आ रही थी, ऐसी पार्टी कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हैं, लिहाजा एनसीबी की टीमें इससे ट्रैप में लगी हुई थी और उसके बाद एनसीबी को इसमें ये काम। सीमा बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है, छोटे से ब्रेक के बाद भी इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आप देखते रहे आज तक।